সোমবার থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে বিজ্ঞান কংগ্রেস। অনুষ্ঠান শুরুর আগেই চুরির ঘটনা ঘটল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করে মুখে মাস্ক পরে ছাদের তালা ভেঙে ঢুকে চোর। বিভাগের সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা ওপর দিকে করে দেয়। ক্যাশে 22,000 টাকা ও কিছু কম্পিউটারাইজড সরঞ্জাম চুরি হয়েছে। ঘটনাস্থলে আসে বর্ধমান থানার পুলিশ। वो मुझे फ़ोन किया कि सर जल्दी से आइए कॉलेज। और क्या हुआ तो पहले मेरी चोरी हुई। फिर मैं आया 6 बजे के आसपास, देखा यहाँ पुलिस वगैरह आए हुए थे। तो मैंने पूछा कैसे क्या हुआ, तो फिर मैंने जायजा लिया, देखा पता चला कि ऊपर का जो ये है ताला, वो ताला तोड़ करके ये सब कुछ चोर घुसा, ठीक है। और जो ये है कैमरा है, जो कैमरा को वो पहले से ही साइड कर दिया, सीसीटीवी कैमरा वो साइड कर दिया। ये वाला जो कैमरा है ऊपर स्टेयर केस वाला कैमरा और नीचे जो मेन फ्रंट कैमरा है उसको भी वो लोग साइड कर दिए ताकि कोई पता नहीं चल पाए। पुलिस आए हैं, वो सब को देख करके जांच करके गए हैं और बात बातचीत करेंगे। यहाँ से कोई कैश चोरी हुआ है कुछ समथिंग कितना 20-22 के आसपास होगा, जो हमारे डेली यूज़ के लिए काम होता है। मतलब डेली यूज़ के लिए कुछ काम हो गया, कभी कुछ पड़ गया, जरूरत पड़ गया, तो वही कैश था 20-22। मतलब क्या 20-22,000। सर आपका नाम? सर मोहम्मद शहजाद। পুলিশ তবে একটা সিসিটিভিতে তা ধরাও পড়েছে। ঘটনাটি ঘটে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে। তদন্তে নেমেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। আমজাদ আলীর রিপোর্ট, পূর্ব বর্ধমান।